क्या आप अपने खेतों में खरपतवारों से जूझ रहे हैं? आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके खेत को खरपतवारों से मुक्ति दिला सकता है। पेश है नोवलेट खरपतवार नाशी। नोवलेट खरपतवार नाशी विशेष रूप से धान की फसलों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका काम है खरपतवारों को आसानी से और प्रभावी तरीके से नष्ट करना। कैसे करें इसका उपयोग? इसके लिए सबसे पहले 500 मिलीलीटर नोवलेट को 150 लीटर पानी में मिलाएं और सुनिश्चित करें कि यह अच्छी तरह से घुल जाए। इसके बाद फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल कर आप सभी खरपतवारों के पत्तों पर बराबर छिड़काव करें। छिड़काव के बाद खेत को पानी से भर दें, इससे नोवलेक्ट का असर और बढ़ जाएगा। इसके उपयोग करने के 7 से 10 दिनों बाद नाइट्रोजन युक्त उर्वरक डालें। इससे आपकी फसल को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और उत्पादन में सुधार होगा। क्या फर्क पड़ेगा? नोवलेट का इस्तेमाल करने के 3 से 5 दिनों में आपको असली फर्क दिखेगा। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मुरझा जाएंगे और घास व सकरी पत्ती वाले खरपतवार सूख जाएंगे। नोवलेट की खासियत, तुरंत प्रभाव, यह जल्दी असर दिखाता है और आपके खेत को तेजी से साफ करता है। लंबे समय तक असर, बारिश होने के बाद भी इसका प्रभाव बरकरार रहता है, जिससे लंबे समय तक खरपतवार नियंत्रण मिलता है। सुरक्षित और प्रभावी, इसका उपयोग करते समय ध्यान रखें कि अन्य फसलों पर यह ना गिरे ताकि उन पर कोई असर ना हो। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपके खेत से खरपतवारों की समस्या खत्म हो जाए और आपकी फसलें हरी भरी बनी रहें, तो नोवलेक्ट को जरूर ट्राई करें। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं कुटवेशन कंपनी से, हमने यहाँ पे एक डेमो प्लॉट लगाया था धान में, और जो हमारे किसान भाई हैं तो ये आपको सारी प्रक्रिया बताएंगे। सर कैसे रहा अपना, और एक बार अपना पूरा बताइए, नाम नंबर सब कुछ बताइए। मेरा नाम आनंद प्रताप सिंह राणा है, ग्राम उमरन है, तहसील चरवा है, जनपद कन्नौज है। मेरी धान में कई प्रकार की घासें थी, फूल वाली भी थी, मोच भी थी और दुनिया भी थी, कई घासें थी और हमने कई प्रयास किए, कोई सही बता नहीं पाया मुझे क्या डालना क्या नहीं डालना है। इसके बाद आपसे मुलाकात हुई तो आपने मुझे राय दी, मैंने डेमो करने के लिए तैयार हुआ और वो डेमो बहुत अच्छा हुआ, सक्सेस हुआ। गांव के लोगों ने देखा और आपने भी देखा, हम भी उससे संतुष्ट हैं, अच्छा है। और आइंदा कभी ऐसी समस्या आएगी तो हम यही घास आपकी कंपनी की यही दवा इस्तेमाल करेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि भाई अच्छी है और अपने क्षेत्र के लोग बताई देंगे। और सर दूसरा ये बताइए, आप जैसे कि रिजल्ट देखने के बाद में आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस आया, आप खुद खरीद के लेके आए अपने 2 एकड़ के लिए? हाँ हाँ, 2 दिन पहले खरीदने वाले थे, नहीं मिली तो 2 दिन इंतजार भी किया उसके लिए। इसके बाद हमें एक एक टीसी करके 2 बार में उपलब्ध हो पाई तो आज वो मैंने आज डाली अपने खेत में। आज ही आप स्प्रेस कर भी रहे हैं? हाँ हाँ जी जी। और सर दूसरा बताइए, आप जैसे कि जो आपकी जो मेजर समस्या थी झाड़ू घास, तो झाड़ू घास आपकी सर अच्छी कोई नहीं हुई कंट्रोल? हाँ हाँ, कंट्रोल है, पूर्णतः कंट्रोल है झाड़ू घास और भी जो घासें हैं आपकी अच्छी तरीके से कंट्रोल हुई। तो सर आपका जैसे कि ये धान है, ये आपको दिख रहा है, तो इसमें और आपको क्या दिख रहा है अलग? कोई धान पे कोई इसका नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है धान पे, कोई भी इफेक्ट नहीं है जी। और दवाएं पहले इस्तेमाल करते थे लोग भी, तो उसमें कुछ लोपन मारती थी या किले रुक जाते थे या ग्रोथ रुक जाती थी, वो इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। बराबर खेत में भी जितनी चल रही धान, इधर भी उतनी चल रही धान, बराबर है कोई जी जी। तो हमारे जो किसान भाई हैं, आपने उनका फीडबैक बताया, हमने यहाँ पर डेमो लगाया, इनको बहुत अच्छा रेट, उन्होंने खुद खरीदी। दूसरा यहाँ दिखाइए आप, ये देखिए, ये देखो जैसे कि ये झाड़ू घास है, ये देखो झाड़ू घास की पहचान यही होती है, जैसे इसकी जो टंडी होती है ये देखो बहुत मजबूत होती है। कंपनी का भी क्लेम 2 से 3-4 पत्ती पे, लेकिन इसने देखो कितनी बड़ी झाड़ू घास को भी खत्म किया है। बाकी और भी जैसी झाड़ू घास, जैसे कि अपना ये दुनिया बोलते हैं, जैसे कि सावा, लाल सब सफ़ेद सावा, ये भी देखो कंट्रोल हुआ है। इसके बाद में फुल लोग यहाँ आइए, इधर जैसे ये अपना मोथा है, ये देखो मोथा कैसे जड़ से खत्म हुआ है, देखो ये देखो सारा, ये देखो ऐसे जड़ से खत्म हुआ है मोथा सारा। और जहाँ पर है वह नहीं लगा हुआ, जैसे ये नोवलेक्ट है, इधर आप आइए इधर, ये अपना फार्मर प्रैक्टिस है, ये देखिए यहाँ पे देखो एक भी, जैसे सारी घासें आपको दिख रही होंगी, जैसे ये देखो ये झाड़ू घास तैयार हो रही है, ये देखो ये दुनिया है, ये मोथा है, ये देखो कैसे खड़ रहा है ये। तो ये सब आपके सामने सर रिजल्ट है, और मेरा भी सभी से ये कहना है कि सभी किसान भाई ये नोवलेक्ट को जरूर लगाएं, और बाकी जैसे आपको जो बची घास को आपको उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा भी यही कहना है, थैंक यू।